गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमने इंग्लिश के लेसन 3 की स्टोरी सुनी थी ना, डेफ एंड म्यूट सुनाई थी ना मैंने, और आपने सुनी भी थी। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है। पहले आप डेट डाल लीजिए, 16 जुलाई 20। ओके, लेसन नेम इज डेफ एंड म्यूट। डेफ, डेफ मीन्स बहरा, जिसको सुनाई नहीं देता। म्यूट, म्यूट मतलब मूक, जो बोल नहीं सकता, गूंगा, ठीक है। इसके हमने 4 वर्ड बताए थे इम्पोर्टेंट वर्ड, वो आज आपने इसमें पढ़ने हैं। गिव द राइट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक, हर ब्लैंक के लिए आपने राइट वर्ड भरना है। ही कैन नॉट, इसको पढ़ते हैं कैन नॉट या कांट, कांट या कैन नॉट, ठीक है। ये कैसे लिखा होता है, कैन प्लस नॉट, इसको बनाकर बनता है ये कैन नॉट। अगर हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कैन नॉट, एक साथ पढ़ेंगे तो कांट। कैसे रीड करेंगे, ही कांट सी, वह देख नहीं सकता। ही इज, जो देख नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड, बी एल आई एन डी, ब्लाइंड, ठीक है। नेक्स्ट, ही कांट हीयर, वह सुन नहीं सकता। हीयर, अगर मैं हीयर में से एच हटा दूं तो क्या बनता है ये, ईयर, और ईयर से हम क्या करते हैं, हीयर, तो वह सुन नहीं सकता, तो कौन है, ही इज डेफ, डी ई ए एफ, डेफ, ठीक है, बहरा है वो। ही कांट स्पीक, वह बोल नहीं सकता। ही इज म्यूट, एम यू टी ई, लेसन का नेम में था ना म्यूट, डेफ एंड म्यूट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यूट, ठीक है, एम यू टी ई, म्यूट, वह बोल नहीं सकता, वह म्यूट है। ही कांट वॉक, इसको वॉक पढ़ेंगे, इसमें एल की आवाज़ नहीं आती, वॉक नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, वॉक। वेल, वह सही से चल नहीं सकता। ही इज लेम, एल ए एम ई, लेम, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट वर्ड बताए थे ना स्टोरी में भी, तो यही है, ठीक है। रीड करें, नाउ गेट सेट, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ बैगर, बैगर, बैगर मतलब भिखारी, अंडरलाइन करेंगे इस वर्ड को। देयर वॉज अ बैगर, ही हैड अ टॉल बॉडी, एक बार एक भिखारी था जिसकी शरीर लंबा था, जो लंबे शरीर का था। वन डे ही टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, एक दिन उसने एक कार्डबोर्ड मतलब गत्ता, गत्ते का टुकड़ा लिया। नेक्स्ट पेज, ही रॉट ऑन इट, रॉट, राइट की ही, राइट, राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, डब्ल्यू आर आई टी ई, इसकी ही फॉर्म है, ठीक है। ही रॉट ऑन इट, उसने उसके ऊपर लिखा, राइट मतलब भी लिखा होता है और इसने भी लिख दिया, ठीक है। डेफ एंड म्यूट, उसने ऊपर क्या लिख दिया, डेफ एंड म्यूट, कि वह सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता। अब सुनाया था ना स्टोरी में, दिखाया भी था, जैसे इसने देखो लिख रखा है इधर, डेफ एंड म्यूट, ऐसे लंबा भिखारी, भिखारी बन के बैठ गया था। ही हैंग, क्या पढ़ेंगे इसको, हैंग, हैंग मतलब लटका लेना, द कार्डबोर्ड ऑन हीज चेस्ट, चेस्ट मतलब छाती, उसने वह गत्ते का टुकड़ा अपनी छाती के ऊपर लटका लिया, देखो लटका रखा ना इसने अपने सीने पे ऐसे। देन ही सेट डाउन बाय द साइड ऑफ अ रोड, और उसके बाद वो सड़क के किनारे बैठ गया। ही पुट हिज बाउल इन फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने, ऑफ हिम, उसने अपने सामने कटोरा रख लिया। बाउल, बाउल मतलब कटोरा, बाउल मतलब कटोरा। इसमें एक और वर्ड एनिमल छुपा है, अगर मैं इसको बी को छुपा दूँ तो क्या बनता है, आउल, आउल मतलब उल्लू, आउल मतलब उल्लू। तो हर वर्ड में दूसरा वर्ड ढूंढने की कोशिश किया करो, तभी आप नए नए वर्ड सीख पाओगे, ठीक है। अगर बाउल में से बी हटा दूंगे तो क्या बन जाएगा, आउल, आउल मतलब उल्लू, और ये क्या है, बाउल, बाउल मतलब कटोरा, उसने अपने सामने एक कटोरा रख लिया। मैनी पीपल वेंट अप एंड डाउन द रोड,
बहुत सारे लोग उस रोड पर आ रहे थे और जा रहे थे। सम ऑफ देम टुक पिटी, पिटी मतलब भी बताया था स्टोरी में दया करना, ऑन द बैगर, कुछ लोगों ने उसके ऊपर दया की। दे थ्रू, अंडरलाइन दिस, थ्रू मतलब फेंकना, कॉइन्स, कॉइन्स मतलब पैसे सिक्के, इनटू हिज बाउल, उन लोगों ने उसके कटोरे में कुछ सिक्के फेंक दिए। देयर वॉज अनदर बैगर, वहाँ पर एक दूसरा भिखारी भी था। ही हैड अ फैट बॉडी, उसका शरीर कैसा था, मोटा था, वो मोटा भिखारी था। ही सा हिज द टॉल बैगर, उसने लंबे भिखारी को देखा। ही सा हिज कार्डबोर्ड आल्सो, उसने उसका गत्ते का टुकड़ा भी देखा। ही रन बैक टू हिज कॉटेज, अंडरलाइन दिस वर्ड, कॉटेज मतलब अपने कमरे में चला जाना, ठीक है, कॉटेज मतलब कमरा। वह भागकर अपने कमरे में चला गया, वापस, बैक मतलब वापस। ही टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, उसने भी गत्ते का टुकड़ा लिखा लिया। ही रोट ऑन इट, और उसने उस पर लिखा, आई एम ब्लाइंड, यहाँ लिखा है ना, आई एम ब्लाइंड, मैं देख नहीं सकता, लेकिन ये तो देख सकता था ना। आगे रीड करेंगे, ही हैंग इट ऑन हिज चेस्ट, और उसने उसको अपनी छाती पर लटका लिया। ही कम बैक एंड सेट नियर द टॉल बैगर, वह वापस आया और बैठ गया लंबे भिखारी के पास। अब देखो ये वर्ड है नियर, इसमें एक और वर्ड छुपा है, पार्ट्स ऑफ बॉडी है, बताओ मुझे क्या छुपा है, क्या छुपा है। अब मैंने इसको एन छुपा लिया तो क्या बन गया ये, ईयर, तो क्या बन गया ये, ईयर। अगर इसमें एन लगा देंगे तो नियर, और एन हटा देंगे तो ईयर, ठीक है। आज हम सिर्फ इतना ही रीड करेंगे, ओके।